वेरी वार्म वेलकम टू शो। मैं हूं कामरान शाहिद। एक दफ़ा फिर पॉलिटिशियंस नाकाम नज़र आए, पार्लियामेंट डिफंक्ट नज़र आई। एक तो वैसे भी डिफंक्ट नज़र आई कि 14 दिन गुजर गए और स्पीकर ने उस तहरीक अदम एतमाद पे अभी तक सेशन नहीं बुलाया जिस पे हुकूमत इतने बुलंद बांग नारे लाउड स्पीकर पर लगाया करती थी कि जी हिम्मत है तो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, हिम्मत है तो दिखाया जाए, हमारी तो पार्टी बड़ी इंटैक्ट है। लेकिन फिर सब ने हिम्मत दिखाई, अपोजिशन के पार्टीज़ ने, अदम एतमाद की तहरीक आई। फिर अपोजिशन के मुतालिक कहा हुकूमत ने कि जी ये तो मेंबर्स इनके पास नहीं है, ये तो एम ही है, ये तो गुब्बारे में हवा निकल जाएगी। फिर पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाया कि किस तरह 12-13 मेंबर्स जो हैं वो बड़े आराम से आज़ादाना तरीके से इस हुकूमत की पॉलिसियों की तरह से इनहराफ कर रहे हैं, पार्टी लीडरशिप पे अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कई सालों से ये काम कर रहे थे, यानी कि अदम एतमाद का इज़हार। तो फिर इमरान खान साहब एक कुफर और हक और बातल का एक नैरेटिव लेके आए और उन्होंने ये बताया कि ये बेसिकली उन्होंने इदारों को भी कहा कि इस वक्त गुनाह है ये। पहले तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रहना इस सिचुएशन में जहाँ पे एक तरफ बातिल कुवतें यानी कि अपोजिशन जो अदम एतमाद लेके आई और एक तरफ कुल्ले हक बकौल इमरान साहब के जो कि उनकी ज़ात है, सिर्फ उनकी ज़ात है क्योंकि पार्टी भी नहीं, क्योंकि पार्टी तो उनकी इस वक्त है ही नहीं। अगर पार्टी जो उनकी मेजोरिटी थी 10 वोटों की वो तो टूट चुकी। तो एक तरफ जो है वो बातिल है अपोजिशन जो अदम एतमाद लेके आई हुई है और उसका इंस्ट्रूमेंट है वो, और दूसरी तरफ कुल्ले हक बकौल इमरान खान साहब के उनकी अपनी ज़ाती ज़ात है, उससे जो भी इख्तलाफ करे ख्वाह वो 12 मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स हैं वो सब के सब बातिल हैं। उसके बाद उन्होंने इस्लामिक इंटरप्रटेशन दी, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। उन्होंने एक तरफ इदारों को कहा कि जो कुल्ले हक इमरान खान साहब की पॉलिसी के साथ नहीं है, वो कभी उनको कहा कि जानवर हैं, वो कभी उनको कहा कि वो हक के साथ नहीं है, अल्लाह ने मना किया है कि आप न्यूट्रल रह ही नहीं सकते। ये अपनी अपनी इंटरप्रटेशंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने दी इस अदम एतमाद की तहरीक के आने के बाद से। और उसके बाद उन्होंने मामले को टोटल रिलीजियस टर्म्स में वो ले गए। जो एक काम उन्होंने नहीं किया बेसिकली वो ये कि वो अभी 27 तारीख को लाखों का मजमा, करोड़ों का मजमा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मजमा दिखाने जा रहे हैं जो कि इस अदम एतमाद को डिफीट करने की कतन रिक्वायरमेंट नहीं है। जो काम उन्होंने नहीं किया वो ये नहीं किया कि किसी एक लंच में, किसी एक डिनर में, किसी एक तकरीब के अंदर वो हर जगह जा रहे हैं, वो अपने 172 इतिहादियों समेत दिखा देते कि जनाब ये मेरी मेजॉरिटी है, उसके बाद अदम एतमाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन हुकूमत ने यह काम नहीं किया, उन्होंने वो मैदान अभी तक नहीं बुलाया 14 दिन का। स्पीकर ने कहा मैं जो चाहे करूँगा, तड़िया लगाते फिर स्पीकर साहब मुबैना तौर पर कि जी मैं आज़ाद होंगा अंदर, और वफाकी वज़रा भी उनको उठा रहे हैं बहुत कि जनाब स्पीकर तो आज़ाद होगा रूलिंग, मतलब वो ये भी रूलिंग दे सकते हैं कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, फलां बंदा प्राइम मिनिस्टर की रूलिंग को चैलेंज ही कोई नहीं कर सकता। ये सब कुछ चल रहा है और उस पर सोने में सुहागा, 14 दिन वेस्ट हो गए। तो उसके बाद इन्होंने एक बड़ी आम सी बात जो एक आम बंदा, मुझे तो आप छोड़ें जो मुझसे भी आम बंदा है जिसको बीए की नॉलेज है वो कंस्टिट्यूशन उठाए तो वो खोल के पढ़ सकता है कि अंदर 63A की क्या तशरीह है, क्या उसका प्रोसीजर। आज कोर्ट ने भी यही कहा है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। ये सब डिले टैक्टिक्स हैं बादी नज़र में, मतलब सरियन क्लियरली लिखा हुआ है करना क्या आपने। रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से रोका ही नहीं जा सकता, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, और ना ही आयन में गुंजाइश है कि रुकने पार्लियामेंट का वोट तस्लीम ना किया जाए। अब आप जितने अहदीस अपनी हक में ले आएँ या कुरान शरीफ की आयात, जो कि नहीं लानी चाहिए आपको पॉलिटिक्स में, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के आज तक के रिमार्क्स ये हैं, वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज़ है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर ये बातें इसलिए उठ रही है, स्पीकर साहब ने कहा मैं वोट ही काउंट नहीं करूँगा, मतलब एज इफ स्पीकर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो स्पीकर है या पार्लियामेंट के स्पीकर वो आइन से बालातर है। फिर उन्होंने कहा कि चीफ साहब ने कहा कि असल जवाब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है, आर्टिकल 63A की रूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ऐसे मामला रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। चीफ साहब ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों को पता होना चाहिए वो कब आज़ादी से वोट नहीं दे सकते, दूसरी किश्ती में छलांग लाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। बड़ी ही माजरत के साथ सब लोगों के साथ ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर होता है कि जी अगर आप अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएँ तो आपको सीट से हाथ धोना पड़ता है। दुनिया के किसी सिविलाइज वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता नहीं है। और हमने अटॉर्नी जनरल साहब को बड़ा मुश्किल से कन्विंस किया था यहाँ पर, और उन्होंने इस बात से एग्री किया कि ये बात सही है कि वोट काउंट वैलिड भी होगा, और इस बात पे तो खैर उन्होंने एग्री नहीं किया पाकिस्तान के मामला देखते हुए। इमरान खान साहब ने इस तहरीक को डिफ्यूज़ करने के लिए सब कुछ किया लेकिन अभी तक अददी अक्सरियत अपनी नहीं दिखा सके। उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम लगाए कि मेरे एमएन ने बिग गए, अपनी पार्टी पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाया कि ये बिग गए बिकाऊ माल हैं। आज तक इवन इस्लामिक लॉज के हिसाब से भी एक एविडेंस नहीं दे सके कितने पैसे में कितना एमएन ने बिकाऊ और ट्रांजेक्शन किसने दी और कहाँ हुई।
ये सब कुछ होता रहा, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, वो कह रहे हैं कि वो देंगे और वो 27 तारीख को देंगे और वो तुलप के पत्ते उनकी जेब के अंदर हैं और वो तुलप के पत्ते क्या हम देख लेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो तुलप के पत्ते मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ़ करा देता हूँ। वो है सदाकत अली अब्बासी साहब, बड़े एमिनेंट एमएनए हैं, ऑब्वियसली अभी आप उनको सुनेंगे, वो आयन के आर्टिकल की जो इंटरप्रटेशन करेंगे हकर बातिल की, तो वो आप महजूज होंगे उससे, मैं ही बड़ा खुश होता हूँ उनको बुला के। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुस्लिम नून के, और इनसे तो पूछना ये बनता है कि बेसिकली ये आ रहे हैं कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं इस वक्त, अगर अदम एतमाद कामयाब हुई होती है। लेकिन सबसे पहले साबिक टॉलेंजर इरफान कादिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है जी। सर ये समझ नहीं आया, ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और अटॉर्नी जनरल साहब को समझ नहीं आया, या ये वाकियों को समझ नहीं आ रहा? इतने सीधे सीधे सवाल है जो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहे कि किस तरह होना है, क्या होना है, लेकिन साथ ही फिर ये भी जहन में रख के भी ये बताइए कि स्पीकर जो है जो चाहे कर सकता है, चाहे कुछ भी एडवाइजरी आ जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये अदम एतमाद में वोटिंग होगी। सर जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आपका जो आज का इंट्रो था इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि अगर रेलेवेंट लोग इसको सुन रहे हैं तो मेरा ख्याल है कल ये सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है ये तो कल बिल्कुल इन्हीं टर्म्स पे खत्म होगा जो आप फरमा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा इसको कॉम्प्रिहेंड किया सारी चीज को, और मेरी भी तकरीबन राय आपसे मुताबिकत रखती है जो आपने जिस तरह से इसको अक्स किया कि ये आप खुद आपने पॉइंट आउट किया कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि ये जो इन्होंने यानी वोट कास्ट करने से किसी को नहीं रोका जा सकता और वोट काउंट भी होगा, तो अगर ये सारा कुछ होगा और 63 ये जो है ये बिल्कुल क्लियर है, तो मैं भी समझता हूँ कि ये जो रेफरेंस सदारती आया है ये हुकूमत चाह रही थी किसी तरह से इस मामले को डिले करे या लंबा करे या इस तरह की तशरीह कर दी जाए जो कि आईन में है ही नहीं, और लिहाजा खुद चूंकि वो ये कर नहीं सकते थे उस पर उनकी क्रेडिबिलिटी जो थी वो भी इन क्वेश्चन आ जाती, तो उन्होंने सोचा कि शायद हम इस तरह के सवाल बना के तो सुप्रीम कोर्ट से ये करवा लें, लेकिन आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं करेगी क्योंकि आईन का जो आर्टिकल 63A है ना सिर्फ उसमें कोई उभाम नहीं है बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि एक ही डिस्क्वालिफिकेशन है किसी शख्स की अगर वो वोट पार्टी लाइन के खिलाफ देता है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि वो डिफेक्शन के मामले में डी सीट हो जाएगा, बस उस पर कोई ममानियत नहीं है कि वो पार्टी छोड़े ना, उस पर कोई ममानियत नहीं है कि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन ना कर ले। साहब मुझे दो तीन बड़े अहम सवाल आपसे पूछे सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपने जो अपना तजिया स्टार्ट किया जो, लेकिन ये सर बता दीजिए कि ये जो डी सीट होने से पहले जो स्पीकर के इख्तियारात के मतलब हुकूमत इतना उन्होंने ड्रैकुलिन इख्तियारात दिखाए हुए हैं कि जी वो जो चाहे कर सकता है, मतलब वो ये भी रूलिंग दे सकता है कल से सदाकत अली अब्बासी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर है कि वो रूलिंग है उसकी, कहने का मतलब ये है कि क्या स्पीकर जो चाहे कर सकता है, वो चाहे वोट काउंट ना करे, वो चाहे वोट काउंट करे, या उसमें भी कोई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पीकर? नहीं नहीं स्पीकर कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि जब रिक्विजिशन आ जाए तो 14 दिन के अंदर उन्होंने वो सेशन बुलाना होता है जो कि उन्होंने उसमें थोड़ी सी उनसे गलती हुई है, वो 14 दिन से मामला ऊपर चला गया, लेकिन बियॉन्ड दैट जो वोट डालने का या वोट को कह देना कि ये वोट गलत है वो सारी चीज़ें स्पीकर को कोई इस तरह का इख्तियार नहीं। बिल्कुल ठीक। इरफान कादिर साहब ये जब पीटीआई के अगर अब अस्यूम कर लें अगर मुनहरिफ अराकीन या किसी के पार्टी के भी मेजॉरिटी पार्टी के वो जब वोट डालते हैं खिलाफ पार्टी पॉलिसी के से इस अदम एतमाद में डालेंगे, उसके बाद वो उनका डी सीट होना तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगा, और उसके वो भी 30 दिन के अंदर तक कर सकते हैं, और उसमें भी हतमी तौर पे अगर वो स्टे ले लें तो तब तक वो सीट पे रहेंगे, एम आई राइट? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तब तक सीट पे रहेंगे और डी सीट का जो हतमी फैसला है वो इलेक्शन कमीशन करेगी, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, उसके 30 दिन है और आखिरी फोरम जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट होगा अगर के अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। और इस चीज को आप इस तरह से समझें कि ये ऐसे ही है जैसे कि कोई एक शख्स अगर एक पार्टी से तंग आ गया या वो उस पार्टी में अब नहीं रहना चाहता, उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि वो इस्तीफा दे दे और दूसरा रास्ता ये है उसके खिलाफ वोट डाल दे, और वोट डालना ऐसे ही है जैसे कि उसने पार्टी को तलाक दे दी है। ऑफकोर्स तलाक देना जो है कोई अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन शरण उसकी इजाजत है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल इजाजत है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाल दे लेकिन आप सीट लूज। और इरफान साहब दुनिया में कहीं पे भी पार्टी के खिलाफ वोट डालने पे पेनलाइजेशन नहीं होती, इंग्लैंड में नहीं होती, यूरोप में नहीं होती, पाकिस्तान में तो ये गुलाम एक कॉन्सेप्ट है गुलाम बनाने का 5 साल के लिए, मेरा ये जाती रहा है, अदरवाइज तो इंग्लैंड में नहीं होती अभी। मौजूदा जो रेफरेंस है उसमें गालिब ने ये कहा जा रहा है
कि जो शख्स एक दफा एक पार्टी में आ गया उसकी डाइवोर्स का तो तलाक का तो कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है, वो तो सती हो तो फिर ही वो उसकी पार्टी से जान छुट सकती है। अच्छा, लेकिन इरफान खान साहब इसमें जो आपको मैंने एक्चुअली आज सहमत दी है ना, वो सवाल अब आया और वो सवाल सर ये है कि बेसिकली ये सब कुछ जब हो रहा होगा, लेट सपोज अदम एतमाद तो जैसे ही होगा तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन अभी वो मेंबर जो है वो इलेक्शन कमीशन में उसका मामला चला गया है, वो अभी डी सीट भी नहीं हुआ, तो जब नई गवर्नमेंट पावर में आती है अगर वो जिसकी भी आए इन द मीन टाइम, अभी तक इलेक्शन कमीशन से वो मेंबर डी सीट भी नहीं हुआ, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको वाजिया भी नहीं किया, उन्होंने भी यही कहा कि हम देखेंगे जब हमारे पास ये मामला आएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सर उससे पहले पहले अगर पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से अमेंडमेंट पास कर दे, ये तरमीम कर दे कि जी एक तो तहयात नहाली हो ही नहीं सकती और इस मामले में तो हो ही नहीं सकती, सिर्फ डी सी टी हो सकता है, तो सर ये तरमीम मान ली जाएगी, वो अमेंडमेंट वैलिड होगी। बस ये असल में सर आपसे पूछना था कि वो अमेंडमेंट जो है वो वैलिड होगी। चले जी, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लूंगा मैं इस वक्त, तो हम कोशिश करेंगे कि मुनहरफ अराकीन से भी पूछा जाए कि जो कोर्ट की हेयरिंग्स हो रही हैं इसमें अगर आपको ये तहयात नाहली का मामला दरपेश हो तब भी क्या आप इतने एडमेंट हैं इमरान साहब की पॉलिसी के खिलाफ जाने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब और वंस अगेन सदाकत अली भाई साहब, सदाकत वैसा आपको मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, आप जरा पहले लोगों को अब तो जो आपके एमएनए और जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछना पड़ता है जलसा कहाँ से लेके आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को भी डेजिग्नेट कर दिया गया है, शेख रशीद साहब को भी कर दिया गया पिंडी वगैरह से, पिंडी भटिया से, आपको भी कहीं ना कहीं से ऑब्वियसली किया गया होगा। काश ये आपको कहा जाता कि आप मेम्बर्स पूरे करके लेके आए, लेकिन आप जलसे इकट्ठे करके लेके आ रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं। सदाकत साहब कहाँ से लेके आ रहे हैं लोगों को 27 तारीख को, क्या होने लगा 27 को मेरे भाई, क्या सरप्राइज़ है, थोड़ा तो बताएं हमें। जी कामरान बहुत शुक्रिया। नंबर आप पता नहीं बार बार क्यों कह रहे हैं, नंबर भाई हमें नहीं पूरे करने, नंबर उन्होंने पूरे करने, हमने सिर्फ बैठ के स्माइल देनी है और 170 से कम पे उनको आउट करके हमने उनको हमेशा हमेशा के लिए शिकस्त देनी है। पहली बात ये तो अंदर की गेम है, बाहर की गेम है। मैं मरी से, कोटली सतियाँ से, कौटा से और कलर सईदा से, ये मेरी 5 तहसीलें हैं जहाँ से मैं रैलीज लेके आ रहा हूँ, और अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं वहाँ के मीटिंग्स करके आ रहा हूँ। इंशाल्लाह लोग इतना पुरजोश हैं और इतना जोशो खरोश है कि आपको अंदाजा नहीं है। 27 तारीख आपने बहुत सारी कानूनी बातें की और आपने दिल की बात की। जी आपने दिल की बात की कि किसी तरह ये जमीर फरोशी, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये खोते खचरों का कारोबार जारी रहे, लेकिन हम आए इस मुल्क को रिफॉर्म करने के लिए, ये सियासत का जमहूरियत का गंद साफ। सर एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए सर, मैं आपको ऐसा बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, आपकी मुझसे सिर्फ बात होनी है। मुझे सर ये राय साहब बता दीजिए कि ये जो जिस तरह अभी चल रहा है अदालत के अंदर मामला, अगर ये हो गया कि ताहियात नाहली है तब भी आप इमरान खान साहब के खिलाफ या अदम एतमाद के हक में वोट दे सकते हैं? ताहियात नाहली को छोड़े हम सियासत छोड़ देंगे, लेकिन ऐसी जमात में जहाँ पे गरीबों के चूल्हे बंद हो जाए, जहाँ पे गरीबों की दवाई ना खरीद सके, जहाँ पे गरीब आटा ना खरीद सके, जहाँ पे गरीब चीनी ना खरीद सके, और जो मंशूर में वादे किए गए थे वो तमाम वादे पूरे नहीं किए गए, सब झूठ बोला गया, और हमें 3 साल तक ये कहा जाता रहा कि ये बेहतर हो रहा है, वो बेहतर हो रहा है, अरबों रुपए की करप्शन हुई है, अरबों रुपए की, नदीम बाबर करप्शन करके भाग गया, सब लोग करप्शन करके भागे, खान साहब के इर्द गिर्द जितने लोग हैं करप्ट तरीन लोग हैं पाकिस्तान के। हम बार हा खान साहब से ये गुजारिश करते रहे कि खुदा के लिए खान साहब हमारी तजलील ना करें। देखिए भाई हम सियासत में आए हैं इज्जत के लिए, सही, और खान साहब का मंशूर का हिस्सा ये तो जो मंशूर था उस पर तो कोई अमल नहीं किया, लेकिन ये अमल जरूर किया है कि उन्होंने ये मेरे भाई अब्बासी साहब बैठे हैं इनसे पूछ लें कि कितनी हमारी तजलील हुई है और कितना हम अफसरान को ये बुला के कहा जाता रहा कि आपने एमएनए और एमपी के काम नहीं करने हैं, और महंगाई के हवाले से, लाकानूनियत के हवाले से, राजा साहब, राजा साहब ये बता दीजिए कि मतलब आप एक मिनट बात सुन ले। जी, जी 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 जी, ये वो चीजें हैं जिन्होंने हमें मजबूर किया कि हमने ये कदम उठाया, हमने कोई खुशी से नहीं उठाया, ना हमारी इमरान खान से कोई जाती मुखालफत है, लेकिन खान साहब की जो मंशूर था, जो खान साहब की बातें थी, जो खान साहब ने कंटेनर पे कौम से वादे किए थे, वो सारे धरे के धरे रह गए, और एक ही मकसद रह गया था
कि अब एमपीएस और एमएनए की तजलील कराई जाए। चंद लोगों ने जो अनइलेक्टेड थे, ये बासी साहब बेचारे तो मेरे भाई हैं, इनकी अपनी कोई नहीं सुनता। अच्छा। तो अनइलेक्टेड लोगों ने घेरा डाल लिया उनके गिर्द, और उन अनइलेक्टेड लोगों ने आज हुकूमत को, मैंने एक जरूरी बात करनी है, वो जरा सुन लीजिएगा। जी जी, आपको सुन रहा हूं। इनकी एक फौज है इनके पास वजीरों की, वजीर आला पंजाब का पास है, वजीर आला केपी के पास है। हम इतने लोग नाराज हुए हैं, इनमें इतने इस पूरी टीम में इस काबिल कोई एक आदमी नहीं जो कोई एक या दो मेंबर को राजी करके वापस करके ले जाता। अगर आज जहांगीर तरीन होता तो मैं समझता हूँ उसमें ये खूबी थी कि लोगों को राजी। अच्छा राय साहब, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए। हुकूमत ये प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 27 तारीख को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे जलसे में भी, और अदम एतमाद के दिन वाले भी दिन देंगे। वो आपके ख्याल में वो सरप्राइज और तुरंत का पता क्या हो सकता है? आप भी तो जानते ही है ना पॉलिटिक्स। 27 तारीख को इन्होंने 28 तारीख वोटिंग का दिन रखना है, और 27 को इन्होंने जलसे में ये कह देना है कि जाके असेंबली का घराव कर ले, और मेम्बरान को असेंबली के अंदर आपने नहीं जाने देना। इसके अलावा इनके पास कोई कार्ड नहीं रह गया, ये लाकानूनियत की तरफ जाएंगे, ये खाना जंगी की तरफ जाएंगे, ये लोगों को आपस में लड़ाने की तरफ जाएंगे। और खान साहब का जो मंशूर है कि ना खेलना ना किसी को खेलने देना, ये 27 तारीख के जलसे में मैं आज को आप एडवांस बता रहा हूँ, पाकिस्तान के आला अदारों को एडवांस बता रहा हूँ कि ये इंतशार की सियासत करेंगे, 28 को ये वोटिंग रखेंगे, और पूरे जलसे को ये कहेंगे कि जाके असेंबली को घेर लें, और सुबह किसी मेंबर को आपने असेंबली में नहीं जाने अच्छा। देना, और अदम एतमाद को नाकाम करने की ये एक आखिरी कार्ड इनके पास रह गया है, और इनके पास कोई कार्ड नहीं, ये चले हुए कारतूस हैं। और राया साहब, आपने मैं वैसे तो आपकी मर्जी है, आपने बात तो नहीं करी सदाकत साहब से, बस रुख्सत ही लेना चाहते हैं आप कि आप चाहते हैं? सदाकत साहब बेचारे मेरी तरह बेबस आदमी है, चले हमने जरूरत कर ली, ये नहीं कर रहे, लेकिन इनसे मुझे कोई गिला नहीं है, ना कोई मैंने बात कर। बिल्कुल। और राया साहब एक बात ये कि आप टस से मस नहीं होंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे घेराव भी हो, आप जाएंगे असेंबली में वोट देने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? इंशाल्लाह वोट जाएंगे वहां पे, और अपने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट करें। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका सदाकत साहब, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुफ्ता इस्माइल साहब वो आपके कोर्ट में है, जो सबक अटॉर्नी जनरल साहब से मैंने, मुझे पहले जवाब देने दें। सर एक मिनट ठहर जाए, आपके पास आ रहा हूँ। आपने इन बातों क्या जवाब देना? आपने कहना ये गलत कह रहे थे, मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन जो सही बात है जो आप नहीं मान रहे कि आपकी पार्टी की जो अददी अक्सरियत है वो खत्म हो चुकी हुई है। बाकी आप ये देख रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब ये जो बातें की हैं राजा रियाज साहब ने, इसका आप तोड़ सोचा हुआ है कि अगर 27 को जलसा होता है और 28 को वो कहेंगे यहाँ से उठ रहे हैं, जब तक अदम एतमाद का फैसला नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? और क्या इसलिए आप जलसा कर रहे हैं जो नून लीग भी रैलियाँ निकाल रही है और लेके आ रही है? एक बात। दूसरा, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा उसका भी जवाब, मुफ्ता साहब के दरगे भाई उसका भी जवाब दे दें कि आपके जहन में कोई इस तरह की बात है कि अगर ये लोग ताहियात नाअहल होते हैं तो आप तरमीम ला के इन मेंबर्स को जो है वो इनकी ताहियात नाहली खत्म कर सकते हैं, जो लोग आपसे मिले हुए इस वक्त? शुक्रिया कामरान भाई। देखें, कल इंशाल्लाह दोपहर तक ये बात साबित हो जाएगी कि अददी अक्सरियत जो है वो अपोजिशन के साथ है और पीटीआई के पास नहीं है। वो कैसे होगी? नहीं ख्याल है कि इत्तेहादी अनाउंस करेंगे सर, वो 150 लोग भी वो नहीं ला सकेंगे, इत्तेहादी हुए या जो मेमार जमहूरियत जिनको मैं कहूंगा, यार मुफ्ता भाई आप ना कभी कभी हंसा देते हैं मुझे, आप ये देखें मेमार जमहूरियत यार देखें मेरी। अच्छा चले ठीक है, आपकी मर्जी। राजा रियाज अगर सस्ती होगी आलू प्याज तो उसकी बड़ी वजह होगी राजा रियाज। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इस आदमी ने एक साल से इमरान खान की मुखालिफत करी है, आपने पता है सबको, जहांगीर तरीन के ग्रुप का ये हेड थे, और इतना इन्होंने जम के साबित कदमी से मुखालिफत करी, और अभी जो बात कर रहे हैं वो
कि हम और आप इनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको ये जो झूठी तोहमत लगाते हैं और कंप्लीट झूठ बोलते हैं। पीटीआई वालों की आदत है कि पैसे ले लिए, भाई किसी एक रुपया तो कोई एविडेंस नहीं पेश किया अभी तक कि पैसे लिए, सही बात। अचानक सुप्रीम कोर्ट, अच्छा और सुप्रीम कोर्ट में जब चले गए और एक साल से जहांगीर तरीन का ग्रुप है जिसमें 8 महीने शामिल थे, एक साल से है ना, तो 8 महीने तो अब आपको अचानक इधर ख्याल आ गया किसी भाई आप ही की पार्टी का एमएलए बोल रहा था यार, आपने बोला मैं तो अभी बोला ही नहीं, आपकी पार्टी के एमएलए थे राजा रियाज साहब। जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक और बात भी हुई है वो ये, कोई 2 महीने पहले जब बलूचिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उसमें तो आपको किसी को पेट में दर्द नहीं हुआ था, उस पर तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो उसी के पार्टी के लोग थे, तो इसी में पीटीआई के लोग हैं ना जो मुनहरिफ हो गए, सही बात जिनको है। आज जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो सोचते हैं कि हम आवाम को फेस नहीं कर सकते। असल में जो मैं आपको मिफ्ता भाई एक 2 महीने पहले तो हालात, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक आखिरी बात जी बोले बोले जी मिफ्ता साहब, जी मिफ्ता साहब सर गुजारिश ये है कि खान साहब ने एक साल पहले ये कहा था कि अगर ये मेरे खिलाफ वोट देंगे तो मैं उनकी इज्जत करूंगा, इज्जत करूंगा, ये उनका जबूरी हक है, ये इमरान खान के भाई यार खान साहब ने तो बहुत सी बातें की थी, छोड़ दें आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हो उनकी बातों को, वो जब चाहे जो चाहे कह सकते हैं, तो मेरे भाई से चाहे भी छेड़ सकते हैं। अब मेरा एक बात, अच्छा एक बात सुने, अच्छा एक बात, अच्छा तो एक बात, अगर एक आदमी झूठ पे झूठ बोल रहा हो, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोला, मैं कहा लेकिन जो चाहे कर सकते हैं, डुबा चुका हो मैं, अच्छा मैं कह रहा हूँ सर, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, एक वजीर आजम, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वजीर आजम झूठ पे झूठ बोल रहा हूँ, मईशत को डुबा दिया हो, फॉरेन पॉलिसी को खराब कर दिया हो, पाकिस्तान की सलामती को खतरा में डाल दिया हो, इतना हमारी कर्ज हमारे ऊपर चढ़ा दिया हो, अगर उसके खिलाफ उसकी पार्टी के लोग वोट दे उनके अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, समझा के, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बादशाह है सर, बिल्कुल बादशाह कोई नहीं इधर, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अकलमंदे का पॉइंट दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी पता जो इरफान कादर साहब से आपके पास है, मुझे आपने वैसे ही भाई क्या हो गया यार, आ रहा हूँ आपके पास यार, एक मिनट मिफ्ता साहब को एक बात कह के आपने आज आपने बिल्कुल यकतरफा अच्छा जी सदाकत अली साहब, चले मैं अपनी बात बाद में कर बोल रहा हूँ, सदाकत भाई, सदाकत भाई आपकी पार्टी बिखर गई, सदाकत भाई से बात करा ले, पार्टी के ऊपर आपका रोब कंट्रोल नहीं है, पार्टी चेयरमैन का क्या कहेंगे, चले बताए खुल के बोले आप। सबसे पहले ये बात कि मिफ्ता साहब से पूछें कि जब ये तरमीम हुई थी कि ये घोड़ों खचरों का कारोबार नहीं करना हॉर्स ट्रेडिंग, तो इनकी पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए वोट दिया था या हॉर्स ट्रेडिंग के हक में वोट दिया था, तो ये कहेंगे हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी थी। वो हॉर्स ट्रेडिंग वो क्या चीज़ है वो बता दें, सियासत की बुनियाद अखलाकियात पर होती है, अगर आप 20-22 करोड़ रुपये दे के राजा रियाज या बाकी लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ मुझे आप अखलाकियात का सबक ना पढ़ाएं, राजा रियाज से मेरी बात कराते वो मेरे साथ बाएं हाथ पे, यार आप झूठ बोलना छोड़ दें, किसने 20 करोड़ पे आपने दिए, 20 करोड़ पे आपने दिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, जी जी आप लोग झूठे हैं, मुझे बात करने दें ना आप, मैंने आपको झूठ बोलते हैं आप, मुझे बात करने दें, मैं बताता हूँ ना किसको 20 करोड़, आप मुझे बात करने देना मेहरबानी करें, राजा रियाज साहब को मुझसे अगर बात कराते तो मैं उनसे पूछता कि आपको इमरान, आप जीरो आपकी वोट रह गई थी, इमरान खान के नाम पे वोट लेके आज पीपल्स पार्टी और नून के करप्ट लोगों से आपको पैसे ऑफर हो रहे हैं, आप नुसरत वाइज से पता करें, उसको पीपल्स पार्टी ने और नून ने अलग अलग 16 करोड़ पे ऑफर किए हैं, लोग बंदे मौजूद हैं, और क्या गिद्दड़ सिंह जी आपके पास आ गई कि ये लोग जो आपको करप्ट समझते थे, अभी राजा रियाज की बात करें कामरान, राजा रियाज को पीटीआई में करप्शन लग रही है, वो तंग है, हैरत की बात है, ये नहीं है क्यामत की निशानी है, उनको करप्शन से गिला है और जाके वो जरदारी के पास जागे करप्शन का इलाज ढूंढने के लिए, ये मिफ्ता से पूछें ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में आपने कोई आदमी है तो वो जरदारी तीर फरमाया है, नवाज शरीफ ने ये फरमाया है, शहबाज ने फरमाया है, मरियम थोड़ा सा तो नीचे आ जाए, जी मैं ये कह रहा हूँ आपने एक तीर से बगैर सबूत दिए हुए, बगैर आपने शरई तकाजे पूरे किए, सबूत कौन देता है सर, सुन तो ले रहा यार मैं बात तो, आप मुझे बताएं सबूत कौन देता है, ये तो क्या बड़ी अकलमंदों वाली आपने सर बड़ी विजडम वाली बात की है, सबूत कौन देता है, मैं कह दूं कि खुदा ना खास्ता आप करप्ट है और मुझे आप पूछे कि सबूत दे, मैं कहूं सबूत कौन देता है यार, ये क्या बात हुई भाई, आप लेजिस्लेटर हैं यार, आपने कानून साजी करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट ठहर जवाब दे, मैं जवाब एक मिनट ठहर तो जाए ना सर, एक मिनट ठहर दे, मौका भी देना, पैनिक ना लाओ, ठहर जाए, जजमेंट फेंकी जा रही है, जजमेंट नहीं दे रहा मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इतने पक्के मुंह से ये कह रहे हैं कि इस्माइल भी करप्ट है, अहमद हुसैन ढेर भी करप्ट है, राजा रियाज भी करप्ट है और आपके पास करप्शन का कोई सबूत नहीं है,
लेकिन आप एक मिनट ठहर जाना, अब मैं पूछ तो लूं जिन पे आप इल्जाम लगा रहे खच्चर क्या क्या के कितने पैसे पकड़े। ना 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 ना, एक और यहाँ ठहर तो जाएगा यार, डाकर साहब जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ये कहा ना, ना मेरी बात सुने ना, आपने घंटा हो गया मुझे बिठाया हुआ, मेरी बारी नहीं आ रही, अब मेरी पूरी बात भी नहीं, सारी बात ही आपसे हो रही है। मैं 1,37,000 वोट लेके आया हूँ, मेरा वोट इसमें, अगर मैंने इमरान खान के मैं खिलाफ हूँ तो मैं आज इस्तीफा दे के मैं जाके मिफ्ता इस्माइल की पार्टी ज्वाइन कर लूं। राजा रियाज के पास क्या अखलाकी जरूरत है कि वो इमरान खान का वोट लेके या मिफ्ता इस्माइल। रुक जाए, अब रुक जाए, अब आपकी बात होगी, मुझे औरों से तो बात हो गई, जरूरत करें ना। अहमद हुसैन ढेर साहब जरूरत है, मिफ्ता इस्माइल से पूछे अहमद हुसैन ट्रेडिंग का मतलब क्या है। अहमद हुसैन ढेर साहब यार ठहर तो जाए ना यार, ताकत भाई, अहमद हुसैन ढेर साहब पैसे लिए आपने, हॉर्स ट्रेडिंग की है, ब्लैकमेलिंग की है, क्या की है आप बताए, खुल के बताए आज। अहमद हुसैन ढेर साहब मुझे मिफ्ता इस्माइल बताएं फ्लोर। ओ यार एक मिनट सदाकत भाई, क्या हो गया आपको, शोर मचाने से 172 ही आएंगे आपकी तरफ, आपकी पार्टी टूट गई है। जिस पार्टी को और लीडरशिप को अपनी पार्टी में कंट्रोल नहीं है तो वो बिला वजह जलसे करते फिर रहे, आप वहां पर दिखाई ना लीडरशिप अपनी। जी अहमद हुसैन ढेर साहब को मेरी आवाज आ रही है जी। देखिए भाई, इसी तरह के मुशीरों ने इमरान खान को इस नौबत पर पहुंचाया है, जो बात भी नहीं सुनना चाहते। हम MNA हैं अल्लाह की मेहरबानी से, हम गरीबों के मसाइल लेके आते हैं, ये लोग ना हमें बात करने देते हैं, ना खान साहब को हमारी बात सुनने देते हैं, ना हमारे मसाइल हल होने देते हैं। सारे ओहदे भी ये ले लेते हैं और बोलने भी किसी को नहीं देते, लोगों की बेइज्जतियां भी करते हैं। और अफसोस ये है कि अब देखें ना, 1.5 घंटे से बोल रहे हैं, आपने बात शुरू की है, अब इनमें इतना भी नहीं है कि दूसरे की सुन तो लें। डेढ़ साहब एक बात बताएं, आप लोगों ने कोई पैसे तो नहीं लिए या पैसे लिए, ये तो खुल के कौम को बताएं ना, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी लगा रहे हैं, हालांकि कोई सबूत नहीं इनके पास। तो PTI पे पैसे लगाए हैं मैंने। अच्छा। तो PTI पे पैसे लगाए हैं और मैं अल्लाह की मेहरबानी से अभी 40 करोड़ की मैंने जमीन जो है वो मैंने गिफ्ट, मैंने वक्फ की है 1122 सेंटर को, 40 करोड़ की जमीन। कितने का आप इल्जाम लगाएंगे फिर, 40 अरब का तो लगाए। अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह का दिया इतना कुछ है कि मुझे पैसों का मसला कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी मैंने गरीब की खिदमत के लिए वक्फ की हुई है और मैं सियासत गरीब की खिदमत की करता हूं। और मेरे मैंने गिलानी और बोसन को हराया है और इधर जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं आप इमरान खान साहब को ऐसी चीजें जो लॉलेसनेस की थी, जो करप्शन की थी, ऐसी इतने ये सबूत दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ढेर साहब, अब प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त इसको कुफर और हक की जंग बना दिया है, आप कुछ रिकंसीडर करेंगे 27 तारीख को? ये है जंग ही कुफर और उसकी है। और चलो यार, मुझे मैं भी यार सदाकत भाई एक मिनट, अखलाकियात की बुनियादी अखलाकियात है, कैसे ढेर साहब बात कर सकते हैं पहले ना। डेढ़ साहब दोबारा फरमाइएगा आपने क्या कहा, आपकी आवाज समझ नहीं आई इतने शोर में। मैं कह रहा हूँ कि दो साल पहले 2020 में मैंने एक मीडिया पे जाके बताया कि -1 होने जा रहा है। खान साहब अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ एक लाइन पे हैं तो ये फेल हो जाएगा, लेकिन आपकी जो नीचे टीम बैठी है ना यही आपको फेल करना चाहती है। आप अभी अभी समझ जाएं, इनसे हट के अपनी टीम बनाएं और मुखलिस लोगों को साथ रखें तो आप जो है ना कामयाब होंगे। आज मैं वो क्लिप अगर कहें तो आपको भेज देता हूं। आप ये कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने इदारों से बना के नहीं रखी, इसलिए ये सारा कुछ इनके साथ हो रहा है क्योंकि इदारे के सपोर्ट में है। इसलिए मैं अभी तक कहीं नहीं गया, मैं पार्टी में खड़ा हूं। मुझे ऐसे अल्फाज से याद किया जा रहा है, दाद के तारे मेरा दिल भी कहता कि मैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें। मैं एक ब्रेक लेता हूं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपको जी हिम्मत करें, इखलाकियात और उसका मुजाहरा करें, इस्तीफा दें। लेकिन असल बात जो है ना वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी जवाब देना है कि ये उन्होंने तो इल्जाम नहीं जवाब दिया आज तक गवर्नमेंट ने कि पैसे कहाँ से आए, लेकिन मिफ्ता साहब भी तो बताया ना कि पैसे लगाए के लगाए। दूसरा कोई इनके जेन में है लेजिस्लेशन के अगर ये लोग नाहल हो भी गए तो इनको वापस ले आएंगे। ये एक ब्रेक के बाद जी। बड़ी अहम बात की इरफान कादिर साहब ने कि जनाब ये लोग अगर ताहियात नाहल होने से पहले हुकूमत चेंज हो गई अदम एतमाद की सूरत में तो लेजिस्लेशन के जरिए तरमीम में से ताहियात नाहल निकाली भी जा सकती है और क्लियर भी किया सकते हैं। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ये जो बात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ रही है, शेख रशीद साहब की तरफ से आ रही है और हुकूमत की तरफ से आ रही है, सरप्राइज से मुराद ये है कि आपके नून लीग के लोग अपने पूरे नहीं होंगे। अपना आपने देखा है हाउस इन ऑर्डर तहरीक आदम एतमाद वाले दिन मिफ्ता साहब? सर ये एक बात इन्होंने सच नहीं बोली है,
ये पूरी आप ये खान साहब की आप देखें, जब सेनेट के इलेक्शन का चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे थे तो इन्होंने कैमरे लगाए थे सेनेट के अंदर। ये जो हमको जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, ये कैमरे लगा के बैठे थे सेनेट के वोटिंग बूथ में। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में जो मुस्लिम लीग के 5 MPX को बिठा के वो प्रोजेक्ट दे रहे थे, वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी जो सेनेट के अंदर हुआ है अभी थोड़े दिनों पहले। मतलब वो सॉरी उधर सेनेट के अंदर सॉरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लोगों को डराते थे और वोट लेते थे, वो क्या सही था? वो एकदम सही था। और फिर उसके बाद सर और आप चलें कि इन्होंने ये, और ये बात सच्ची है कि ये मुनहरिफ मेंबरान जो थे, इनको कुछ पता थी कि ये जहांगीर तरीन के साथ जो 8-7 MNA चल रहे थे, इनको कहा कि 1-1 अरब रुपये आपके हल्के में हम खर्च करेंगे, 1-1 अरब रुपये हल्के में खर्च करें। ये सचमुच ये हुकूमत के पैसों से उधर ये प्रोजेक्ट्स दे रहे थे, कैश नहीं दे रहे, प्रोजेक्ट्स दे रहे थे। ये बात तो तय है, ये तो तय बातें हैं। आजकल आप देखें कि DC ने और कमिश्नर्स ने और उधर से लोगों ने PTI के जो मेंबरान पंजाब असेंबली के अंदर हैं और जो नेशनल असेंबली में जिनके काम नहीं हो रहे थे, उनको फोन करना शुरू कर दिया कि कोई काम है। लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, आपने रिश्वत नहीं लगाई, आपने के मेंबर नहीं खरीदे, जिसका सदाकत अली भाई साहब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। ये तो इनको भी पता है, वरना ये वापस क्यों मांग रहे होते? ये तो इनको भी पता है, झूठ देखिए, झूठ के कोई काम नहीं होते। और झूठ आदमी जो भी बोल दे, अच्छा आप ये झूठ के मतलब ये जिसकी मर्जी झूठ झूठ बोलते हैं, मतलब ये मतलब झूठ पे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ये वो पार्टी है, मेरी बात सुनिए, ये वो पार्टी है कि जिसने आके बोला कि हम करप्शन के खिलाफ काम करेंगे। उस्मान बुज़दार की हुकूमत में एक SHO आप नहीं लगा सकते बगैर पैसे के, एक DC नहीं लगा सकते। ये अटक के फूड डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर थे, वो सब पैसे दे के लगे हुए। उस्मान बुज़दार ने कितना आटा गंदम जो है, चलो ये आपके इल्जाम हो गए, बिल्कुल ठीक, अब रुक जाए, गंदम जो है रुक जाए सर, रुक जाए रुक जाए, मेरे साथ रहिए, इल्जाम हो गए आपके। ये हमको 100 सर इतनी आखिरी कामरान भाई आखिरी गुजारिश है कि 116 से 140 पे हम चले गए करप्शन के इंडेक्स पे। एक तो ये हमको करप्शन की भाषण दे रहे हैं, अब जब फेल हो गई तो मैं से पूछ लेता हूं आटे और सर पॉइंट आ गया आपका मिफ्ता साहब, बिल्कुल आप मेरे साथ रहे। सदाकत भाई बात यह है कि ये हक और बातिल की लड़ाई सियासत में ये गंदी डर्टी पॉलिटिक्स है, ये आपने भी की है अभी थोड़े अरसा पहले की थी, हो सकता है बाकी भी कर रहे हो, इसमें हक और बातिल कहाँ से आ गया? ना कोई सबूत है, करप्शन का इल्ज़ाम आप लगा देते हैं, सरप्राइज क्या है? चलें ये बताएं 27 तारीख को क्या करने लगे हैं कामरान, आपको ये हक को बातल बुरा क्यों लग रहा है? इसमें क्या गलती लग क्योंकि आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा, आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा सर, आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। बात करने दें जी जी जी, जरा सबर 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 सर, मुझे आप बात करने दें। ये अभी मेरे भाई मिफ्ता साहब बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये झूठ है, इनसे पूछें छांगा मांगा में क्या नवाज शरीफ साहब ने भेड़ बकरियों की तरह MNAs MPAs को खरीदा था कि नहीं खरीदा था? क्या मरी में जब MNAs को और MPAs को अगवा करके ले गए थे वो नवाज शरीफ ने नहीं किया था? हम तो डटे हुए तुले हुए, इंशाल्लाह जिस तरह सियासत से करप्शन के खिलाफ हमने एक स्टैंड लिया है, अब ये आपकी खरीदो फरोख्त भी खत्म होगी। मैंने इनसे सवाल पूछा था कि क्या मुफ्ता साहब हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मुस्लिम लीग नून ने पास नहीं किया था? वो इन्होंने किया था, क्या था कि कोई आदमी इमरान खान के नाम पे तो इन्होंने हर काम तो सही नहीं ना किया। आप टिकट के लालच दें, मरियम साहबा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने इनको टिकट का लालच दिया है, तो क्या लालच दे के किसी आदमी को जिसको लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट दिया? यार तो वैसे शरीफ के हक में सदाकत साहब अजीब बात है, रही बात मिफ्ता साहब आप मेहरबानी करें, आप करप्शन पे तो बातें ना करें, आपके तो लीडर ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि क्या हुआ नवाज शरीफ खाता है तो क्या हुआ सर, लेकिन लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ प्लीज हमजा आप दोनों हक और बातिल की बातें लगा मिफ्ता साहब झूठ क्यों रिस्पॉन्ड करें, झूठ कैसे बोल रहे हैं भाई, ये झूठ कैसे बोल रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब जी? मिफ्ता साहब भाई किसने कहा है कि रिकॉर्ड पे हमारे हमने किसने कहा है कि हमने रिकॉर्ड में कहा है कि खाते हैं तो लगाते हैं? ये झूठ, आई मीन दे मेकअप कोट्स फ्रॉम देमसेल्फ, मतलब अजीब से बात है ये। देखें मुझको भी जेल में डाला, कितने हमारे तमाम लीडरशिप को जेल में डाला, मुझे बताएं कि कोई एक केस प्रूव हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ? वो जो ब्रॉड बेस्ड क्या नाम है ब्रॉडशीट वाले ने ब्रॉडशीट जी वो जो बढ़ता सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं आप दोनों भाइयों को एक बात बता दूं कि ये भी गलत थे सदाकत साहब जो आप कह रहे हैं ना कि ये लेके आए, ये गुलाम बनाना चाहते थे, मिफ्ता इस्माइल साहब की पार्टी भी गुलाम बनाना चाहती थी MNAs को, इसलिए ये लेके आए कि जो मेंबर अपने शऊर के मुताबिक पार्टी हेड के खिलाफ वोट डालेगा वो नाहल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, इंग्लैंड में तो नहीं होता ये, तो आप लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, जिनको दिन रात आप पता नहीं क्या कुछ कहते हैं मुंह भर भर के सदाकत भाई, और पता नहीं कौन सी हक और बातिल की लड़ाई है आपकी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा पॉलिटिक्स में आप घसीट के लिए। एक ब्रेक लूंगा मैं इस वक्त तो।
सबसे अहम बात यह है कि जी अगर ये मेंबर्स अपने पीटीआई के खिलाफ वोट देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो ये तहयात नाहली से पहले अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो तरमीम के जरिए इनकी तहयात नाहली बच सकती है। ये इरफान कादिर साहब आज कन्फर्म करके गए हमें, नेक्स्ट वीक तक दीजिए इजाज़त।